अभी भूख लग रही है, अभी तो खाया था खाना। नहीं, ऐसे बनाना मत खाओ। चलो मैं बना देती हूँ। नहीं मामा, मैं भी आपको मदद करूँगा। आप बहुत मेहनत करते हो ना, फिर मैं भी सोची मैं भी मदद करूँ। मैं भी मदद करता हूँ। चलो, ये क्या हो रहा है? आयांश रुक जाओ। नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए बेटा, मैं खुद कर लूंगी। अब वो मेहनत करता है मामा। अच्छा हाँ। इसका लगाना देखो। एक और केस। एक इधर दोनों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जिनके घर में हमारे तरह बच्चे होंगे ना, वो कितने अच्छे होंगे वो मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी लंच किए हुए 15 से 20 मिनट हुआ होगा। सब लंच करके अपने अपने जगह पे गए। मैं थोड़ा देर बैठी है कि चलो पेपर दिख गया मुझे, मैं सोची थोड़ा उलट पुलट के पेपर देखते हैं क्या चल रहा है। बट हमारे बच्चे तो ऐसे ना मत पूछो, इन्हें जैसा कि कैसे बोल रहा है, मुझे तो पेट भरा ही नहीं, मुझे तो ये हुआ ही नहीं, तो इसे पीना था बनाना शेक, तभी इतनी नौटंकी इसकी हो रही थी। मैं भी सोची चलो बच्चों का मूड हो जाए तो फिर इनको मना नहीं करना, अच्छा भी नहीं लगता है। मैं सोची चलो इसके लिए बना देती हूँ। और यहाँ पे किसी को पीने का मूड नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम है, भला दोपहर में कौन पी लेगा ये। तो यहाँ पे हम एक बनाना लिए, अंदाज से एक गिलास के अकॉर्डिंग दूध दिए हैं। और यहाँ पे ना हम चीनी नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम डाल रहे हैं खजूर। तो ये देख लिया तो मुझे मना कर रहा है, क्योंकि ना दूध में से कुछ नहीं चाहिए पीने में। अगर थोड़ा सा भी इसके मुंह में कुछ ऐसा जाता है तो बहुत ज़्यादा इसे वोमिट जैसा वो करना शुरू कर देता है। आज ये देख लिया, नॉर्मली मैं डाल देती हूँ तो ये देखता नहीं है, पी जाता है, क्योंकि मिक्सी में चलाने में कुछ नहीं पता चलता। बट मैं इसे समझाई कि बेटे तुम्हारे मुँह में नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। फिर ये मान गया कि ओके मम्मा ठीक है डाल दो। तो यहाँ पे हम तीन खजूर, इसमें सीड है तो वो निकाल रहे हैं, उसके बाद डाल दिए हैं। और मेरा सर खा रहा है, ये क्या वो क्या, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और यहाँ पे हेल्प भी कर रहा है, जैसा कि बोला आज हमें हेल्प कराते, मम्मा आप बहुत काम करते हो, टायर्ड हो जाते हो। बातें तो ऐसे बच्चे करते हैं ना बड़े बड़े कि मत पूछो, मज़ा भी आता है सुनने में। तो इसकी बातें सुन रहे हैं, बोल रहा है मुझे चलाना है, ये करना है, मम्मा मुझे डर भी लगता है कभी कभी, क्या होता है गलती से बिना ढक्कन लगाए ना मिक्सी चलाते। फिर मैं इसे समझाई और यहाँ पे इसे मैं चलाने दे रही हूँ, चलो भाई तुम ही चला लो। तो देखो कैसे चला रहा है, ये एक दो कर रहा है। तो फाइनली इसका शेक बन गया, बनाना शेक, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो मैं सोची चलो इसकी वीडियो छोटी सी बना लेती हूँ, ऐसा तो कुछ इसमें रेसिपी वगैरह है नहीं, तो शायद आप लोग बोर भी हो जाएंगे। बट मुझे लगा चलो शेयर कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस इसको मैं दे देती हूँ और थोड़ा सा ना अच्छा सा मैं वीडियो बना रही, तो सोची चलो थोड़ा सा दो तीन कुछ आलमंड्स इसमें क्रश करके दे दें। तो वो भी देख रहा है ये कि ये क्या दे रही है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे दो तीन आलमंड्स डाल के थोड़ा सा क्रश करके डाली हूँ। पता नहीं अब इसे पीने में अच्छा लगेगा या नहीं, उसमें भी कहीं नाटक ना कर देगी। देख तो रहा है बहुत गौर से, देखो पूछ रहा है कि क्या है ये, क्या सभी बच्चे ऐसे करते हैं क्या? सर छोटे बच्चे करते ही होंगे, बेटी मेरी ऐसे नहीं करती थी, वो पी लेती थी बड़ी आराम से। इसका थोड़ा ज़्यादा ही नाटक है खाने पीने का, बहुत ही ज़्यादा ये होता है। तो चलो मैं इसको देती हूँ, देखते हैं पीता है कि नहीं ये। पहले तो ये देखा, फिर पूछा, फिर मैं इसको समझाई तो ये समझ गया। बट एक दो सिप लिया ना तो इसके मुंह में ऐसे अटक रहा था, फिर मैं सोची जाने दो, मैं उसे स्पून से हटा दिए। फिर फाइनली ये बहुत इंजॉय किया, पिया ये अच्छे से। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप लोग ना वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो और किसके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अभी समर वेकेशन हो गया और ये सब हरकतें कर रहे हैं अपने अपने घरों में, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा।